हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों अंदर से कभी कभी वाइब आती ना, वो पॉजिटिव नहीं आ रही थी। सो मैंने अपने आप को बिज़ी करने के लिए सोचा कि एक दिन बाद जो मुझे सब्ज़ी बनाना थी वो ही मैं कट कर लेती हूँ। वैसे भी भिंडी हम जब भी बनाते हैं तो एक दिन पहले ही कट कर लेते हैं, तो वो बहुत इजीली बन जाती है और अच्छी भी बनती है। नहीं तो वो बहुत स्टिकी स्टिकी सी रहती है, तो वो ठीक से बनती नहीं है और टाइमिंग भी ज़्यादा लगता है। और सभ्या से पूछा था तो उसने बोला हाँ मैं लंच बॉक्स में ले जाऊंगी, काना ने बोला था मैं भी ले जाऊंगा। सो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं कट कर लेती हूँ। वैसे भी दोनों बच्चे नहीं थे, अंदर से भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा यही कर लेते हैं। इसके बाद फिर बच्चों को लंच वगैरह करवाया दोनों को, सॉरी डिनर करवाया, लंच बोल रही हूँ। और फिर सभ्या ने जो कार्ड्स, सभ्या के लिए जो हम लोगों ने कार्ड्स वगैरह प्रिपेयर किए थे, उस पर सभ्या ने जो भी उसको लिखना था, डेकोरेशन करना था मैम के लिए, वो सब उसने किया। क्योंकि काना जागते रहते मैं तो वो करने नहीं देता कुछ भी। फिर हम लोगों ने भी रात को डिनर विनर किया। और उसके बाद ना मैं आपसे अब मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, क्योंकि उसके बाद फिर कुछ भी ऐसे खास कुछ हुआ नहीं था और अंदर से अच्छा ही नहीं लग रहा था। सो मैंने कोई भी वीडियो वगैरह शूट नहीं किया था। श्री है सुबह की 8:30, देख सकते हैं आप। और मैं आ गई थी थोड़ी सी यहाँ पर क्लीनिंग करने। ये अब मंदिर है जो टेबल पे लगाना है, उसके पहले ये दीवार वगैरह बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। यहाँ पे अभी हमने दवाई वगैरह डाला था, दीमक हो गई थी एक्चुअली मैं हमारे यहाँ पर ये टेबल में लकड़ी वाले, तो इसमें अच्छे से उसको दवाई वगैरह डालकर वॉश कर ऊपर रख दिया था। तब तक थोड़े दिनों के लिए ये कूलर को कूलर के ऊपर इस मंदिर को रख दिया था। तब भी आज शादी आने वाले तो उनके हिसाब से थोड़ा कर देते हैं, और कल वैसे भी गणेश जी बिठाना है तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करना ही था। और ये यहाँ खेल रहा है, और मैं इधर जल्दी से फटाफट से ये क्लीन कर देती हूँ और फिर होती हूँ फ्री। फटाफट से ना मैंने झाड़ू लगाई, अच्छे से जाले वाले जो भी हो रहे थे वो निकाले, क्योंकि नेक्स्ट डे ना गणेश चतुर्थी भी है। सोचा एक दिन पहले ही सब काम कर लेते, तो बस जल्दी से फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा कर क्लीन किया। और ये बार बार ना मुझे परेशान कर रहा था, जानबूझकर कचरे के अंदर आ रहा था। फिर मैंने लिया सर्फ और शैम्पू का पानी और फटाफट से दीवार को घिसना स्टार्ट किया स्क्रबर जो होता है ना उससे। फिर मैंने अच्छे से बैठ कर किया ये सब काम, तो मुझसे जल्दी से हो गया। और थोड़ा सा मैंने उसे गला दिया था तो जल्दी जल्दी से हो गया। फिर मैंने पानी से उसे वाइप कर दिया, फिर नीचे फ्लोर को भी इस तरह से ना मैंने अच्छे से स्क्रब वगैरह कर कर साफ कर कर पोछा लगा दिया। क्लीन अब इधर लगा देंगे मंदिर फिर से ये वाली टेबल पर ही, और फिर इधर बिठा देंगे गणेश जी मंदिर खाना को छोड़ने। और साथ ही हमें एक जगह जाना है, मेन तो हमें जाना है एक हॉस्पिटल जाना है, उनके बेस्ट फ्रेंड है, उनके यहाँ बेबी हुआ है। सब जगह से होते हुए वहाँ मंदिर मतलब बेबी देखते हुए आ ही जाएंगे। फिर हमने छोड़ा कानू को स्कूल, अच्छे से बाय बाय कर कर वो स्कूल चला गया। फिर वहाँ से हम लोग गए पहले मंदिर, मंदिर में अपनी पूजा पाठ की, और फिर हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल पर। हमें रूम वगैरह कुछ भी नहीं पता था, और भैया को हमने कॉल किया जब तक हम लोग बाहर वेट करते थे, तो इतना अच्छा सा गार्डन सा था। और फिर हम जाकर मिले बेबी से और बेबी की मम्मा से, तो बहुत अच्छा भी लगा, अंकल आंटी भी बहुत खुश हो गए थे। वैसे तो हम सोच रहे थे कि उस सेम डे शाम को चले जाएँ, बट हो ही नहीं पाया। तो फिर हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मैं बच्चों को भी जाना था, पर बच्चों को हम नेक्स्ट टाइम घर वर्क कभी ले जाएंगे। मैं दादी को जो करना होगा वो उनके हिसाब से कर लेंगे, मैंने तो मुझे जैसा समझ में आया मैंने कर दिया, देखते हैं। उसके बाद खाया हम लोगों ने खाना, और फिर हम लोग चले गए थे मार्केट, क्योंकि फिर मम्मी ने बोला कि 1:30 बजे से अच्छा मुहूर्त है, गणपति जी ले आना। तो सोचा कि जो भी सामान लगता है पूजा पाठ का वो भी ले आए, नारियल वगैरह सुपारी और जनेऊ जो भी सब कुछ लगता है वो लिया पहले, थोड़ा सा बेसन वगैरह भी लिया, और वो सब लेकर फिर हम लोग चले गए थे गणेश जी देखने। तो पास ही में इनके एक फ्रेंड की शॉप है, मतलब शॉप लगाई थी उन्होंने, सो बस वहाँ जाकर हम लोगों ने बहुत सारे गणेश जी देखे। पर हम लोगों को जिस टाइप के चाहिए थे सीधे हाथ की तरफ सूंड वाले, वो बड़ी मुश्किल से मिले। इतने सब में ना मुश्किल से 2 या 3 या 4 गणेश जी होंगे जिनकी सूंड सीधी हो, और जो हमें पसंद आ रहे थे वो साइज़ में काफ़ी बड़े थे। तो इस वजह से ना हम लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे थे कि हम कौन से लें और कौन से नहीं लें। बैठे हुए भी चाहिए थे आशीर्वाद देते हुए, मतलब इतने कंफ्यूजन था। इतने गणेश जी देखे, फिर उन्होंने एक और स्टॉल लगाया था दूसरी तरफ, फिर वहाँ जाकर हम लोगों ने देखा, तब जाकर ना एक गणेश जी फिर हम लोगों ने फाइनल किए। और
फिर हम लोगों ने बैकपैक करवाया और हम आ गए थे घर। तो घर आए तो हम लोगों ने पापा से बोला कि आप ही लेकर चलो, आप बड़े हो घर में। तो बस कान्हा और पापा ने गणेश जी को घर में एंटर करवाया और अभी तो हम लोगों ने उन्हें ऐसे ही रख दिया है। अब नेक्स्ट डे जब हम इनकी पूजा करेंगे। हम बस अभी थोड़ी देर पहले मार्केट से आए हैं, थोड़ा सा सामान वामान लेकर आना था वो लेकर आए हैं, और फिर शाम को मैं बनाऊँगी थोड़े से लड्डू वगैरह जो भी मुझे बनाना है गणपति जी के लिए, और थोड़ी बड़ी तैयारी करती जाऊँगी हल्की हाथी, क्योंकि मम्मी नहीं है तो तैयारी तो करना पड़ेगा बस। और अभी 1:30 बजे से कुछ मुहूर्त था, 1:30 से 3 तो बस चले गए थे, तो ले आए फटाफट जाकर। खाना आकर सो गया है, मैं सब भैया के आने का वेट कर रही हूँ। मैं भी बस 2:15 के समथिंग तो समय हो गया, आती होगी वो भी, तो उसको खाना वाना देकर फिर थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करूँ, क्योंकि आज मेरा बहुत हौश पौश डे हो गया है, बहुत ज़्यादा वाला। कपड़े वगैरह भी मैंने सब वॉश कर लिए, सुबह ऐसा लग रहा था इतनी तेज़ सी बारिश आने वाली है, बट हुआ क्या नहीं आई, अच्छा हुआ। डोरमेट वगैरह भी मैंने ना वॉश किए थे आज, थोड़ा सा अच्छे वच्छे के कपड़े वगैरह, तो इस वजह से के बाद में वीडियो आपसे डायरेक्ट। शाम को मैंने सोचा मैं फटाफट से बेसन के लड्डू बना लेती हूँ, अभी टाइम भी था, फ्री थी, काना भी नहीं था, तो मैंने सोचा बेसन भुनने रखा मैंने फटाफट से, और इतनी देर में ना इतने सारे काले काले बादल आ गए और हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई, तो जितने भी मेरे कपड़े ड्राई हो गए थे वो फिर से गीले हो जाते। तो फटाफट से ना कपड़े वगैरह उतारे, क्योंकि एकदम से इतना तेज़ पानी आता है कि हमें समझने का मौका ही नहीं मिलता और कपड़े भीग जाते हैं सारे। तो बस कपड़े वगैरह रखे और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा काले काले बादल हो रहे थे, पर आज बारिश नहीं हुई, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी होकर रह गई। और इतनी ही देर में ना मेरा हल्का सा बेसन भी जल गया था, फिर मैं ही मैंने बेसन बेसन को हिलाया चलाया मतलब, और फिर मैंने सोचा कि मैं शक्कर भी पीस कर रख लेती हूँ, और फिर बाद में ना मैंने इसमें अच्छे से थोड़ी सी सूजी ऐड की जिससे उसमें दरदरापन आ जाएगा, और फिर उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर उसे भी अच्छे से भून लिया। फिर जब वो ठंडे हो गए थे ना तो उसमें मैंने चीनी मिला दी, हल्के से ठंडे हो गए थे, और फिर फटाफट से मैंने लड्डू बना लिए। मुझे ना पर्सनली लड्डुओं का जो शेप होता है लड्डू बनाना अच्छा लगता है, तो मैं बस बड़ी खुशी होकर मतलब ये काम करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है दिल से लड्डू बनाना, मुझसे लड्डू बनवा लो कितने। फिर जब वो थोड़े से ड्राई हो गए ठंडे हो गए तो फिर मैंने उस तरह से एक टिफ़िन में रख लिए थे सभ्या का जो स्टील का टिफ़िन बॉक्स है उसमें, और 2 लड्डू अलग रख दिए थे जो मैं पंधेरी पर और गाय की रोटी पर निकालने के लिए, बाकी गणपति जी को हम भोग लगा देंगे कल। बस यही सब किया, और उसके बाद मैंने सोचा था थोड़ा सा कुछ और भी बना लूँगी गणेश जी के लिए, बट हो ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला। सो फिर मैंने सोचा कि हम लोगों ने थोड़ा सा डेकोरेशन करना था, तो वो हम लोगों ने डेकोरेशन किया, तो उसके लिए ना मैंने दुपट्टे वगैरह निकाले, तो इतना मैस क्रिएट हो गया था कि मैं बता नहीं सकती। इन सबको समेटा और फिर डिनर विनर का टाइम हो गया था। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, इसके आगे का व्लॉग कल शेयर करेंगे कैसा हमने डेकोरेशन किया, आप देख कर बताइएगा। वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।